आशीष जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि पिछली मुलाकात हमारी जब हुई थी तो आपने अपना पहला फंड लॉन्च किया था, और जो हमें पता चला नंबर्स जो आए, बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च आपका रहा, आपके एनएफओ को रेस्पॉन्स भी बड़ा जबरदस्त मिला। तो सर पहले तो बधाई स्वीकार करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब बताएं, हमारी खास सीरीज है मार्केट आउटलुक, और जिस तरह से ग्लोबल और लोकल मार्केट्स में एक्शन भरपूर है और एक्शन दोनों ही तरफ का है, हमने सोचा आपको आमंत्रित करके एक बार बाजार के डायरेक्शन पर राय ली जाए, स्पेशली जब फेड की मीटिंग के बाद थोड़े सब लोग हिले हुए हैं, डरे हुए हैं। बताएं सर, पहले ग्लोबल मार्केट्स पर एक बार राय दें, क्या अमेरिका में डर, तकलीफ, गिरावट, रिसेशन, मंदी, धीमापन, ये सारे शब्द ज्यादा सुने जाएंगे अब? सर एक्चुअली देखिए क्या है कि पिछले अमेरिका में सबसे पहले तो मैं हमेशा हमारे जितने भी निवेशक हैं दर्शक हैं या मैं भी जितना ट्रैवल करता हूं, मैं जब लोगों को मिलता हूं तो जब लोग बहुत मंदी और महंगाई के बारे में बहुत चिंता व्यक्त करते हैं तो ऐसा नहीं कि चिंता नहीं होनी चाहिए, बट मैं उनका पासपोर्ट जरूर पूछता हूँ उनसे क्लैरिफाई करने के लिए कि अमेरिकन सिटीजन है कि अभी भी इंडिया में ही रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में मंदी होगी होनी चाहिए इसके अलग कारण है और हमारे यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके अलग ड्राइवर्स और उसके अलग पोजीशन है। तो अमेरिका में अगर आप देखें तो 2010 से 2020 तक पहले तो बहुत तेजी हुई, उसके बाद कोविड हमारे जितनी बड़े लॉकडाउन या इतनी मार नहीं थी उनपे, फिर भी इन्होंने सब लोगों के बैंक अकाउंट में किसी को $3,000 किसी को $5,000 इस तरीके से क्रेडिट किया, इतनी डिमांड को बढ़ावा दिया, फिर जाकर के सप्लाई चेन के डिसरप्शन, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज, चाइना का लॉकडाउन, फिर जाकर के ये तेल कमोडिटी मेटल, यूक्रेन का वॉर, तो इन्फ्लेशन का जो हवन है उसको भड़काने के लिए जो भी चीजें कर सकते थे वो सारी चीजें कर ली उन्होंने पिछले 10-12 साल में, और नतीजा अब ये है कि हिस्टोरिकली हाईएस्ट महंगाई का सिचुएशन है। तो इस महंगाई के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए इनको एक बार मंदी तो लानी ही पड़ेगी, या कहते हैं कि भाई महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं और आर्थिक व्यवस्था को सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे या धीमे धीमे इसको स्लो करेंगे, लेकिन ये शायद सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होता है अपने को नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि एक बार तो मंदी की तरफ का रुख बनेगा। तो अभी जो है वो हम एक ट्रांजिशन में, तो ट्रांजिशन में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो डॉलर के ऊपर क्या असर पड़ता है, बाजारों के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये अलग चीज है, लेकिन जब ट्रांजिशन से निकल के 3-6 महीने 9 महीने उस पार देखेंगे तो अल्टीमेटली तो वहां मंदी होनी है। तो लंबे अरसे में नहीं, मीडियम टर्म में 9 से 12 महीने अगर देखें तो यूएस की आर्थिक व्यवस्था, यूएस की मार्केट, यूएस की इंटरेस्ट रेट और यूएस की करेंसी वहां की असलियत दर्शाएगी, जो कि मंदी की बात है, और हमारी इंटरेस्ट रेट, हमारी करेंसी और हमारा स्टॉक मार्केट हमारी हकीकत दर्शाएगी, जो कि ये है कि भाई हम एक मंदी से निकल के धीमे धीमे स्पीड पकड़ रहे थे, रफ्तार पकड़ रहे थे। ये बात जरूर है कि यूएस में अगर ब्याज दर बढ़ते हैं तो उसका हमारे करेंसी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व, हमारे एक्सचेंज रेट पे अंतर पड़ता है, तो हमको भी अपने आप को कैलिब्रेट करना पड़ता है, लेकिन कहने के बाद यह है कि उनकी मंदी को अपनी मंदी और उनकी महंगाई को अपनी महंगाई समझ के ना चलें। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम आपने एक सेंटेंस में क्रक्स बता दिया। उनकी मंदी उनकी है, उनकी महंगाई हम उनकी है, हमारे लिमिटेड असर हो सकता है थोड़ा, ठीक है, पास पड़ोस में कुछ भी होता अपना मूड माहौल उसके हिसाब से अच्छा या खराब होता, पास में घर में शादी है तो अपन भी खुश होते हैं, कुछ अनहोनी घटना हो जाए तो हम भी दुखी होते हैं, उतना तक ठीक है। ऐसा मत सोचो कि अपने यहाँ हो गया शादी, पास वाले की तो पास वाले की है, अपनी नहीं है, और अगर उनके यहाँ कोई तकलीफ है तो उनकी है, हम साथ दे सकते हैं, बस ठीक है उतना ही। अच्छा सर, ये तो हो गई उनकी बात, हमारी बात बताइए सर, मजबूत है सब कुछ, क्या यहां से और बढ़िया तेजी करने को हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी दोनों तैयार है? सर शॉर्ट टर्म में क्योंकि क्या है कि आर्थिक व्यवस्थाएं जो है, जैसे शॉर्ट जी टर्म में स्टॉक मार्केट तो एक स्टॉक मार्केट है तो सब कुछ कोरिलेट हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैंने 9 से 12 महीने या मीडियम टर्म की बात की, क्योंकि ये ट्रांजिशन से जब निकलेंगे तो स्टॉक मार्केट भी इंटरकनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा स्टॉक मार्केट हमारी रियलिटी बताएगा, तो वहां से ये बात आती है कि हमारी रियलिटी है क्या। देखिए अगर अमेरिका में इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती या यूक्रेन में अगर वॉर नहीं होता तो हमारे लिए क्लियर हाईवे होता, क्योंकि हम तो मंदी से निकल के एक अच्छे कंड्यूसिव वातावरण की तरफ जा रहे थे, लेकिन डेफिनेटली बाहर का जो माहौल है इसका हमारे ऊपर भी थोड़ी, हमारे ऊपर भी इसकी वॉलेटिलिटी आती है, हमारे ऊपर भी इसकी वजह से हेडविंड्स बनते हैं या हमारे लिए भी इसके वजह से थोड़ी दिक्कतें बनती है, तो जितना क्लियर हाईवे होना चाहिए था उसके बजाय हमारे लिए भी थोड़े स्पीड बम्प जरूर अभी लग गए हैं,
लेकिन अभी अभी एक रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, रिजल्ट सीजन से अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़े मतलब कुल निफ्टी के लेवल पे 4-5% के जो भी स्ट्रीट के एस्टिमेट्स या कंसेंसस हम देखते हैं, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो FY23 करंट ईयर का बोलते हैं 840-845 का निफ्टी ईपीएस होना चाहिए, एक साल आगे FY24 का फिलहाल बोलते हैं कि 990 के आसपास का होना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़े डाउनग्रेड नहीं है, 4-5% के FY23 के डाउनग्रेड्स हैं और शायद 2-1% के FY24 के डाउनग्रेड्स हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बाहर के माहौल की वजह से थोड़े स्पीड बम जरूर बन रहे हैं, लेकिन मार्केट कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये बात जरूर है कि 15,000 से हम बिल्कुल तेजी की तरफ 18,000 तक गए, फिर एक करेक्शन आया, तो बाहर के माहौल की वजह से जैसा मैंने बताया शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट कोरिलेट हो जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में ऊंच नीच हो सकती है 3 से 6 महीने में, सतर्क रहना चाहिए। 18,000 हो जाए तो ऐसा नहीं समझिए कि 21 हो जाएगा, बट ये भी जरूर है कि अगर फिर से 15 आए तो ये नहीं समझिएगा कि 12-13 हो जाएगा। थोड़े समय के लिए ये रेंज बाउंड वॉलेटाइलिटी प्लस माइनस रहेगा, लेकिन इसके पार हमको देखना है, 6-9 महीने के आगे हमको देखना है, फिर चीजें क्लियर हो सकती है। तो ये आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय मार्केट पर भी राय। अजय सर बताएं, अब निवेश के मौके कहां दिख रहे हैं आपको हमारे बाजार में? सर एक्चुअली अगर आप देखें तो एक तो इमीडिएट टर्म में जैसे हम हमेशा बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स या इवन इफ नॉट प्राइवेट सेक्टर अगर पीएसयू भी देखते हैं तो बड़े फाइनेंशियल्स को मतलब किसी भी चीज को नो ब्रेनर नहीं कहना चाहिए, गुस्ताखी होती है, लेकिन मैं बोलूंगा कि जो बड़े फाइनेंशियल्स हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव लगते हैं। अगर आप देखें तो आईटी भी जो है, हमको लगता है कि हमेशा जब यूएस से न्यूज आती है तो सब समझते हैं कि जैसे अभी फिलहाल प्राइसिंग प्रेशर, यूएस की न्यूज, ये सब लेकर के आईटी खराब हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी बार जब भी कोई मंदी आती है, जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, हर चीज को लेकर के आईटी स्पेंड बढ़ना ही है, या नए प्रोडक्ट्स या नए ट्रेंड्स आते हैं या तो फिर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये तो हमारे पोर्टफोलियोज में ये टॉप सेक्टर्स हैं। और अगर थोड़ा लंबे अरसे की बात करें, अगर किसी में 3-5 साल की अगर बात करने की भी इंटरेस्ट है तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, अगर आप अगले 5-10 साल में देखें, जैसे हमारा $2,000 पर कैपिटा इनकम है, यहाँ से अगर हम 5,000, 6,000, 7,000 की बात करते हैं तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सबसे बड़ा हो जाएगा। पिछले 10-15 साल में अगर आप चाइना को भी देखें तो उनके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सेगमेंट में सबसे बड़ा सेक्टर एक्चुअली कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल एंड आईटी है, वहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सबसे बड़ा सेक्टर है। तो अगर लंबे ट्रेंड्स की बात करें तो ये हमारा पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहेगा, लेकिन क्योंकि सवाल सेक्टर्स पे है तो ये चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आईटी और फाइनेंशियल, ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत ही बेहतरीन दे सकते हैं। आईटी शेयर में तो करेक्शन भी काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब सर एक राय हमारे यहाँ की ब्याज दरों पर भी लेना चाहता हूँ। अगली मीटिंग जब होगी तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी अब अमेरिका के मूड माहौल को देखते हुए ब्याज दरें तेजी से बढ़ेगी, या फिर हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा बेहतर है, कम खराब है, तो उस हिसाब से हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं? देखिए उनको हमारे यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो कोविड के बाद का नॉर्मलाइजेशन जिसकी पास्ट में डिस्कशन हुई है, दूसरा हमारे यहाँ पे भी आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी है, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो यूएस में अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, हमारी करेंसी और हमारे रिजर्व्स पे किस तरीके का असर पड़ता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को भी रेट हाइक्स करना शायद अनिवार्य हो जाएगा। तो ये एक स्पीड बम से मेरा यही मतलब था कि ये एक नेगेटिव है कि अगर अपनी डोमेस्टिक कंडीशंस की वजह से हम अगर रेट बढ़ाते तो हम खुश होते कि भाई तेजी है, यहाँ पे रेट बढ़ रहा है, पैसे की डिमांड बढ़ रही है, केपेक्स बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप हो रही है। तो अगर हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस की वजह से रेट बढ़ते हैं तो हम खुश होते, लेकिन टू दी एक्सटेंट के भाई बाहर के प्रेशर की वजह से हमको अपने रेट्स को कैलिब्रेट करना पड़ रहा है, वो एक नेगेटिव है। वही था मेरा स्पीड बम्प से मेरा वही मतलब था। लेकिन ये अनिवार्य हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो रुपये पे प्रेशर बढ़ेगा। आप देख रहे हैं जैसे फोरेक्स बैलेंस भी मेरे ख्याल में टॉप से लेके अभी तक 50-51 बिलियन निकल चुका है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म में हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे भी प्रेशर बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक।
आशीष सोमैया सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के।